देखती आंखों को, सुनते कानों को, दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आपका भाई मजर इकबाल आपके पेशे खिदमत एक नई वीडियो लेके हाजिर हो चुका है। आजकल मैंने देखा टिकटॉक के ऊपर लोग वायरल होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसा कर जाते हैं व्यूज लेने के लिए, वायरल होने के लिए। तो मैं उन सब लोगों के लिए जो है ना आज एक आपको ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा। अगर आप उसके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह जल्द आप जो है ना आपके व्यूज मिलियन में आएंगे, आपके लाइक आएंगे, आप वायरल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, काफी सारे भाई मुझे अब ये कमेंट करेंगे कि मजर भाई आप लोगों को तो मशवरा दे रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं करते। तो भाई मैं सब लोगों को बताता हूँ कि यार मुझे जो है ना ये टिकटॉक का कीड़ा तंग नहीं करता, मुझे टिकटॉक बनाने का कोई शौक नहीं है। मेरा यूट्यूब पे जाके देख ले माशाल्लाह, यूट्यूब पे मेरे दूसरे चैनल जो है ना उनके अच्छे खासे सब्सक्राइब हैं। मुझे सिर्फ यूट्यूब का कीड़ा तंग करता है, मैं यूट्यूब के ऊपर काम करता हूँ। मुझे जो जुनून, मुझे शौक जो है वो यूट्यूब के ऊपर काम करने का है। इसके अलावा टिकटॉक वगैरह हो गया वो मैं काम नहीं करता हूँ। लेकिन ये है कि मैं उन चीजों को समझ के आप तक जरूर बताता हूँ कि यार आपकी नॉलेज में इजाफा हो। आप जो है ना दर बदार की जो ठोकरे खाते हैं, आप जो उल्टे सीधे काम करते हैं, आप जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो आप ना करें। अच्छे ट्रेंड की तरफ जाएं, अच्छे ट्रेंड के ऊपर आप वीडियो बनाएं, अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, आपकी वीडियो वायरल होती हैं। अच्छा, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तवज्जो से सुन लें कि सबसे पहले कोशिश किया करें जो टिकटॉक के ऊपर आप वीडियो बनाते हैं डेली की दो या तीन वीडियो, एक आपने सेटिंग बना लेनी है कि डेली एक वीडियो बनानी है तो आपने एक ही बनानी है। अगर डेली की आपने तीन डालनी है तो तीन ही आपने डालनी है। पहली सेटिंग तो आप ये कर लें, ठीक है। जब ये आप कर लेंगे उसके बाद आप कोशिश करें, मेरा भाईजान वीडियो का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वीडियो का रिजल्ट आपने अच्छा कर लिया, उसके बाद कोशिश किया करें जो ट्रेंडिंग में साउंड आता है ना, म्यूजिक वगैरह आता है, उसके ऊपर जितनी हो सके ज्यादा वीडियो बनाया करें, ठीक है। उसके बाद ट्रेंडिंग फिल्टर आते हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग फिल्टर जो आते हैं उनके ऊपर ज्यादा वीडियो बनाया करें। टिकटॉक हमेशा जो है ना आप जाके टिकटॉक पे देखना, आपको ट्रेंडिंग फिल्टर कोई ना कोई आता रहता है, जो ट्रेंड में चल जाता है उसके ऊपर ज्यादा काम किया करें। अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज लेने के लिए गोबर में छेर दे रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने ऊपर कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो जाया कर रहे होते, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो मेरा भाईजान पैसा जाया करने से बेहतर फजूल दिमाग अपना जो है ना वो लोगों के साथ जो आप करते हैं, मैंने वीडियो के अंदर देखा है कि एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं, पता नहीं गाल मकोच क्या पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो भाई मेरा ऐसा काम ना किया करें, जो ट्रेंडिंग साउंड होते हैं उनके ऊपर काम किया करें, ट्रेंडिंग म्यूजिक के ऊपर किया करें, उसके बाद फिल्टर जो ट्रेंडिंग होते हैं उनके ऊपर काम किया करें। फिर सबसे मेन जो चीज है वो आपकी वीडियो की जो होता है ना मेरा रिजल्ट, वीडियो की टाइमिंग और वीडियो एक या दो वो सेटिंग आप कर लेते हैं ना, तो आपके जितने भी व्यूवर्स होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं उनको पता होता है कि यार इसकी वीडियो दिन के अंदर दो आती हैं, तीन आती हैं, इस टाइम पे आती है। वो सारी चीजें मेरा भाईजान आप एक अपना टाइमिंग बना लें, उसके अंदर वो चीजें आप किया करें तो इंशाल्लाह आपको व्यूज अच्छे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपकी काफी नॉलेज में इजाफा किया होगा। अगर किया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।